इस पूरे मामले में कुल छह आरोपी हैं, ललित को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इसके साथ ही सागर शर्मा जो कि लखनऊ का रहने वाला है, वो भी दीर्घा में कूदने वाला शख्स है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ललित ने खुद सरेंडर किया है और मनोरंजन डी ये भी दीर्घा में कूदने वाले शख्स में से एक है, इसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अमोल शिंदे ये संसद के बाहर स्मोक गैस छोड़ता हुआ दिखाई दिया है, तस्वीरों में भी आपने इसे देखा होगा। नीलम देवी ये भी तस्वीरों में दिखाई दे रही है, इन्होंने भी संसद के बाहर स्मोक गैस छोड़ा और इन्हें भी गिरफ्तार होना पड़ा। ललित झा कथित तौर पर मास्टरमाइंड जिसने 6 महीने तक इस पूरे हमले की प्लानिंग की थी। हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, इसके साथ ही जितेंद्र बहादुर सिंह। सबसे पहले हिमांशु आपका रुख करते हुए, ये जो अलग अलग राज्यों में जहां से ये आरोपी आते हैं वहां पर पुलिस का जाना और तमाम तथ्यों को इकट्ठा करना, ये कितना समय ले सकता है हिमांशु? देखिए, पुलिस को इसमें अभी 7 दिन की रिमांड पे हैं जो पहले 4 आरोपी पकड़े गए थे। कल कोर्ट में पुलिस ने 15 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन यहां पर अभी पुलिस को 7 दिन की रिमांड मिली है। और अब जब ललित भी गिरफ्तार हो गया है तो पुलिस ललित को भी रिमांड पे लेगी एक बार कोर्ट में पेश करने के बाद। इसके बाद जो पहली प्रायोरिटी है पुलिस की, वो जो जानकारी है एक लखनऊ जाकर के, चूंकि जो कैविटी वाला शूज था, जो जूते थे, वो लखनऊ में बनवाए गए थे, तो वहां से पुलिस को जानकारी जुटानी है। मैसूर जो कि बताया जा रहा है कि एपिक सेंटर था जहां पर सबसे पहले इस साजिश को रची गई थी, इस साजिश को, तो वहां पर पुलिस की टीम जाएगी। इसके अलावा राजस्थान, जब ये ललित भागा तो ललित कहां से होते हुए अलग अलग इलाकों से होते हुए नागौर पहुंचा, कितने लोगों से मिला, किन लोगों ने उसकी मदद की, कहां पर उसने फोन नष्ट किया और नष्ट करके किस हालात में उन्हें फेंका, वो हर जगह पुलिस की टीम उसे अपने साथ लेकर के जाएगी। और इसके अलावा सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जब पुलिस को मौका मिलेगा तो पुलिस एक बार इस पूरे क्राइम को रिक्रिएट भी करना चाहेगी कि किस तरीके से एंट्री की, किस गेट से इन लोगों ने एंट्री की, कहां बाहर वो मौजूद थे, कब उन्होंने, क्या एक दूसरे से मैसेजिंग हुई थी या फिक्स टाइम था कि ठीक है इतने देर बाद हम यहां बाहर प्रदर्शन करेंगे और इतनी देर के बाद आप वहां पर करेंगे प्रदर्शन, तो ये सारी चीजें सीन रिक्रिएट करेगी। लेकिन चूंकि अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है तो जब पार्लियामेंट जब बंद होगा या फिर जब स्पीकर से परमिशन मिलेगी तो उसके बाद पुलिस ये एक बार जो स्पेशल सेल की टीम है वो सीन रिक्रिएट करना चाहती है। तो देखना ये होगा कि ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें पुलिस को कितना वक्त लगेगा। अब चूंकि UAPA लगा है तो UAPA में जो पुलिस है वो 30 दिन की रिमांड ले सकती है। आमतौर पर कोई IPC अगर लगती है तो उसमें 14 दिन की मैक्सिमम रिमांड की अवधि होती है, लेकिन जब UAPA लगता है तो 1 महीना पूरा रिमांड लिया जा सकता है। तो पुलिस के पास 30 दिन का वक्त है, हालांकि अभी 7 दिन का रिमांड है, लेकिन जब पुलिस अगली पेशी पे आएगी तो आगे अपनी रिक्वायरमेंट बता करके रिमांड की अवधि बढ़वा भी सकती है। तो अभी चूंकि ललित अरेस्ट हुआ है तो आज जब कोर्ट में एक बार पेश करेगी पुलिस तो इसके बाद की जांच देखना होगा कि पुलिस किस तरफ से कैसे शुरू करती है। क्योंकि पुलिस मैं लौटूंगी आपके पास, जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, JPC की मांग की जा रही थी, इस मांग पर कितना गौर कर रही है सरकार और आगे जो कार्रवाई होगी उसमें क्या हम एक स्पेशल कमिटी का गठन देख सकते हैं अगर JPC नहीं होता है तो? और देखिए, विपक्षी पार्टियों की तरफ से इस बात को लेकर के कि संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसको लेकर के ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाना चाहिए, हालांकि सरकार की तरफ से अभी इस पर कुछ भी नहीं कहा गया। खुद गृहमंत्री अमित शाह ने एजेंडा आज तक में इस बात को लेकर के उन्होंने उठाया, जब उनसे सवाल किया गया कि संसद की सुरक्षा में चूक हुई है तो उन्होंने कहा कि ये महत्वपूर्ण मुद्दा है और संसद की सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक टीम गठित की गई है, कमेटी बनाई गई है जिसकी अध्यक्षता जो है वो CRPF के DG अनीस दयाल सिंह जी कर रहे हैं और कल उन्होंने एक बैठक भी पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कर लिया है और इस बैठक में उन तमाम बिंदुओं को उनकी तरफ से देखा गया है। जल्द से जल्द जो है पार्लियामेंट की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसको लेकर के एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, इसके साथ ही आगे किस तरीके से कदम बढ़ाना है उसको लेकर के भी इस रिपोर्ट का रिकमेंडेशन दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो हंगामा
कर रहे हैं और आज भी ये देखा जा रहा है कि संसद में उनकी तरफ से हंगामा किया जा सकता है संसद की सुरक्षा की चूक को लेकर के। कल राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों सदनों में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो विपक्षी दल हैं, उनकी तरफ से हंगामा किया गया, जिसमें लोकसभा से 13 सांसदों को निलंबित किया गया जो बचा हुआ सत्र है, इसके अलावा राज्यसभा में एक सांसद को। तो ये पूरा हंगामा आज भी होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। 10 बजे बैठक है इंडिया गठबंधन की विपक्षी पार्टियों का, उसमें यह तय किया जाएगा कि आगे किस तरीके का कदम बढ़ाना है। नेहा, ठीक है। और जिस बयान का आप जिक्र कर रहे हैं, जो कि अमित शाह ने कल एजेंडा आज तक में संसद में सुरक्षा में सेन मामले में दिया है, वो आपको सुनवा देते हैं। देखिए, ये बड़ा गंभीर मसला है और लोकसभा अध्यक्ष जी ने इसका गंभीर संज्ञान लिया है। विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसमें कहीं ना कहीं कोई चूक नहीं हुई, चूक निश्चित हुई, तभी तो घटना हुई है, परंतु इस पर राजनीति कर रही है। सबको मालूम है कि पार्लियामेंट सिक्योरिटी लोकसभा अध्यक्ष के तहत रहती है। अध्यक्ष जी ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा है, हमने एक कमेटी बनाई है, देश के सीनियर मोस्ट डीजीपी में से एक डीजीपी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी है और उसमें ढेर सारी एजेंसियों के सदस्य भी है। कुछ ही दिनों में इसकी रिपोर्ट अध्यक्ष जी के पास जाएगी और मुझे लगता है अध्यक्ष जी ही इसको प्रकाशित करें ज्यादा उचित है। ऐसी जितनी भी घटनाएं हुई, करीब करीब 40 घटनाएं हुई, जिसमें पर्चा डालने से लेकर नारा लगाने से लेकर पिस्तौल लेकर अंदर आ जाना, सदन के अंदर कूद जाना, ये तक की घटनाएं हुई और हर बार लोकसभा अध्यक्ष ने ही इसका संज्ञान लिया है और अध्यक्ष जी ने एक कमेटी बनाकर इसकी जांच करी है। हमने FIR भी रजिस्टर कर दिया है, जांच की कमेटी भी बन रही है। मुझे लगता है 15-20 दिन में वो लोग अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर साहब को सौंप देंगे, मगर मैं इतना सुनिश्चित करता हूं क्योंकि उन्होंने जो कमेटी का परव्यू बनाया है, घटना की भी जांच करने के लिए कमेटी को काम सौंपा है और लोकसभा की सुरक्षा को आगे कैसे चुस्त दुरुस्त किया जाए वो भी काम सौंपा है,